हे गाइस, आई एम आंचल मदान फ्रॉम फिंगरेशियस। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई की बहुत ही फेमस इंडियन स्ट्रीट फूड तवा पुलाव। ये मुंबई के अलावा बाकी जगहों पे भी बहुत फेमस होता जा रहा है। इसके लिए गाइस आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी नहीं बनेगी और ये बहुत झटपट बन जाता है। इसको आप कभी अपने लेफ्ट ओवर राइस, जैसे आपके कभी रात के कोई राइस बच जाते हैं, उनसे भी ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तवा पुलाव बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं, एक गिलास मैंने राइस लिए हैं और उनको बॉईल कर लिया है। जब आप इसे बॉईल करेंगे, इसे थोड़ा सा अनकुक्ड रखेंगे, क्योंकि जब हम इसे वेजिटेबल्स के साथ फ्राई करेंगे तब भी ये कुक होंगे। 2 फाइनली चॉप्ड अनियन, 2 कैप्सिकम फाइनली चॉप्ड, 2 फाइनली चॉप्ड कैरेट, 1 बॉयल पोटैटो, इसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है, 1 ग्रीन पीस, 1 चॉप्ड टमाटो एंड सम कोरिएंडर, 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 3/4 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च पाउडर। तवा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। गाइस, आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब अभी आप तवा पुलाव बनाएंगे उसके लिए या तो आप तवा यूज करेंगे बड़ा या कोई कढ़ाई बड़ी यूज करेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, थोड़े से क्यूमिन सीड डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेम तेज करेंगे, जब देखिए हमारे क्यूमिन सीड ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम ऑनियन ऐड करेंगे, जब हमारे ऑनियन थोड़े से फ्राई हो जाएंगे हम इसमें टमाटो ऐड करेंगे। देखिए हमारे ऑनियन फ्राई हो गए हैं, अब इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। देखिए हमारे टमाटो भी हो गए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा कैरेट ऐड करेंगे जो हमने फाइनली चॉप करके रखा था। पीस डालेंगे अब हम इसमें, इसे अच्छे से हिलाएंगे। इसको हम थोड़ी देर अभी ढक के रखेंगे ताकि इसमें सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्राई हो जाएं अच्छे से, कोई कच्ची ना रहे। चलिए देखते हैं हमारी वेजिटेबल्स हो गई। तो देखिए हमारी वेजिटेबल्स हो गई, अब इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे हम। कैप्सिकम हमने पहले इसलिए ऐड नहीं करी थी क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी फिर हम उसमें पोटैटो ऐड करेंगे। हमें पोटैटो सबसे लेट ऐड करने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल है। अब इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। देखिए हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं। आप चाहें तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं, जिससे पाव भाजी मैश करते हैं, थोड़ा सा उससे मैश करते रहिए। वेजिटेबल्स को जल्दी गलाने के लिए आप इसमें सॉल्ट भी पहले ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने सारे, सॉल्ट, देगी मिर्च, गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर। अच्छे से हिलाएंगे, इसमें पोटैटो ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था हमें सबसे लास्ट में पोटैटो ऐड करने हैं। इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें डालना है जिससे इसका फ्लेवर आता है तवा पुलाव का, वो है पाव भाजी मसाला।
इसमें हम 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे और हमारी सारी जो हमने मसाले डाले हैं उन्हें अच्छे से इन सब्जियों में पकने देंगे। आप चाहें तो मैशर से बार बार मैश कर सकते हैं। थोड़ा हल्का मैश करिए क्योंकि अब हमने इसमें पोटैटो डाल दिए। देखिए अब हमारी वेजिटेबल्स हो गई हैं। अब हम इसमें राइस डालेंगे। राइस डालते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने पूरे राइस नहीं डालना है, इसको हाफ हाफ करके डालना है। जब हम इसे हाफ हाफ करके डालेंगे तभी हमारे अच्छे से मिक्स होंगे। एक बार में हमें सारे राइस नहीं डालने हैं। ये देखिए अब हम धीरे धीरे राइस ऐड करेंगे इसमें। और जब आप चावल बॉईल करेंगे इसके, आप ये चावल पहले ही मॉर्निंग में बॉईल करके रखिएगा, क्योंकि जब इसमें हम राइस ऐड करेंगे तो राइस हमारे ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। गर्म अगर हमारे राइस होंगे तो वो टूट जाएंगे। इसमें हमें इसमें ठंडे राइस ऐड करने हैं। हमने सारे राइस इसमें डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से हिलाएंगे, सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए सारी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया पाव भाजी मसाले से। अगर आप इसे स्पाइसी खाते हैं तो इसमें रेड चिली आप और डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसका हिलाने का जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से करना है, ताकि शेजवान सॉस जो है वो सब में मिक्स हो जाए और सब में बराबर टेस्ट आए। जो हमने धनिया लिया है वो हम ऊपर से गार्निश करेंगे बाद में जब हम सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा तवा पुलाव रेडी है। तो देखिए मैंने इसे गर्मा गर्म सर्व किया है और कोरिएंडर भी गार्निश किया है। कितने टेस्टी लग रहे हैं, आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप भी बनाइए इसे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। आई होप गाइज ये आपको और आपकी फैमिली को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।